हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा एडवर्ब्स टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम एडवर्ब्स टू का कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि मैं वो पहला इंडियन टीचर हूँ जो इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया, यानी यूट्यूब पर किसी इंडियन टीचर के तरफ से इस टॉपिक पर कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं हुए। आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, एडवर्ब्स टू का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि मैं किसी नाउन के सब खिलाफ हूँ या मैं किसी चीज के सब खिलाफ हूँ। फ्रेंड्स, कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं जहाँ लोग कहते हैं मैं शराब के सख्त खिलाफ हूँ या मैं जुआ खेलने के सख्त खिलाफ हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, सीखें इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते मैं किसी के सख्त खिलाफ हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं शराब पीने के सख्त खिलाफ हूं, तो आप कहेंगे आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन। फ्रेंड्स, आप यहां जरा गौर करें, मैंने बोला टू ड्रिंकिंग वाइन, यानी टू के बाद मैंने आईएनजी फॉर्म बोला। फ्रेंड्स, बहुत सारे लर्नर मुझसे ये पूछते हैं कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है, यानी उनको ये लगता है कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं लिखा जा सकता, जबकि ऐसा सोचना सरासर गलत है। फ्रेंड्स, टू के बाद आप आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं और टू के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका है, एक रूल है जो आपको जानना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कब टू के बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी लिखना है और कब टू के बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी का यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मैं कल सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको ये बात पता चल सके कि टू के बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी लिखना है या नहीं लिखना है, अगर लिखना है तो कब और नहीं लिखना है तो कब। तो कल सुबह 7 बजे वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं ताश खेलने के सख्त खिलाफ हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एडवर्स टू प्लेइंग कार्ड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं गाली देने के सख्त खिलाफ हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एडवर्स टू अब्यूजिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं सिगरेट पीने के सख्त खिलाफ हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एडवर्स टू स्मोकिंग सिगरेट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं लव मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एडवर्स टू लव मैरिज। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं गुटखा के सख्त खिलाफ हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एडवर्स टू इंटॉक्सिकेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं जादू टोना के सख्त खिलाफ हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एडवर्स टू विचक्राफ्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं धोखाधड़ी के सख्त खिलाफ हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एडवर्स टू चीटिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं बाजारू खाना के सख्त खिलाफ हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एडवर्स टू जंक फूड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एडवर्स टू डाउरी सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह बात पूरी तरीके से समझ में आई कि जब आपको कहना हो कि मैं किसी नाउन के सख्त खिलाफ हूँ या मैं किसी चीज के सख्त खिलाफ हूँ, तो आप आई एम एडवर्ब्स टू का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आप इस लेसन को शानदार तरीके से समझे, तो क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? और मेरा क्वेश्चन है, अगर लिखा हो आई एम एडवर्ब्स टू करप्शन, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।